तो हेलो दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने मदरबोर्ड का मैंने पहले भी कहा था कि मैं दूसरी वीडियो में उसको कवर करूंगा, तो वो कवर मैं आज करने वाला हूँ। अगर तक आपने मेरे पिछली वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो को देख लीजिए, तो इस वीडियो में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा मदरबोर्ड के फंक्शन को समझना। तो आज मेरे पास है ये मदरबोर्ड और मैं आपको पूरा बताऊंगा इसमें क्या क्या, मतलब कौन से पार्ट्स पे कौन सा मतलब हम लगाते हैं और कौन सी ये पोर्ट जो है, ये पोर्ट किस काम, कौन सा पोर्ट किस काम के आता है, तो पूरा बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इस पोर्ट की। मैं जूम करके मतलब थोड़ा अंदर ला के दिखाऊंगा आपको। इस पोर्ट की हम बात करेंगे, इस ये दोनों पोर्ट है जो, इन सब की बात करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो पोर्ट है हमारा, ये होता है कीबोर्ड के लिए, ये होता है माउस के लिए। ये अब हमारे यूज में नहीं है क्योंकि अब जो भी हमारा पोर्ट आ रहा है वो हमारा USB पोर्ट पर आ रहा है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे USB, मैं इसके अभी आगे चल के बताऊँगा, पहले आप ये समझिए। ये होता है दोस्तों हमारा VGA पोर्ट। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम अपने PC को प्रोजेक्टर वगैरह से कनेक्ट करते थे, तभी हम इसको VGA पोर्ट का यूज करते थे। ये होता है हमारा पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट हमें प्रिंटर वगैरह में कनेक्ट करने का काम आता था, लेकिन अब उतना काम नहीं है इसका, और इसे तो आप जानते ही होंगे। ये है हमारा गेमिंग पोर्ट। जो पहले जो हमारा गेमिंग पोर्ट होता था ये यही होता था, अब तो USB में पूरा फंक्शन USB में आ रहा है, लेकिन जो पहले जो वीडियो गेम के रिमोट वगैरह होते थे वो इससे कनेक्ट करे जाते थे। अब हम बात करते हैं USB पोर्ट की। तो USB पोर्ट तो आप सभी जानते होंगे, USB पोर्ट में पेन ड्राइव वगैरह का यूज करते हैं, अब तो स्पेसिफिक बहुत वर्क है इसका। अब हम बात करते हैं एथर्नल पोर्ट या फिर HDMI पोर्ट। तो एथर्नल पोर्ट या HDMI पोर्ट को हम इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि वाईफाई से हम कैसे कनेक्ट करेंगे PC को, तो हम इस पोर्ट के वजह से एक केबल आता है जिसे हम HDMI केबल कहते हैं, उसके जरिए से हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने वाईफाई राउटर से। अब हम बात करते हैं ऑडियो जैक की। तो ये तीन होता है हमारा ऑडियो जैक। इसमें एक में हम वॉइस का यूज करते हैं, एक में हम बाहर आउटपुट लेते हैं, एक से हम दोनों का यूज करते हैं, जैसे कि वो कॉल सेंटर वाले यूज करते हैं माइक के साथ, हेडफोन का भी यूज करते हैं, तो हम एक का यूज करते हैं इसका। अब इसका हम यूज करते हैं सिर्फ हेडफोन यूज करने के लिए, और इसका हम माइक के लिए यूज करते हैं, जो सिंगर वगैरह होते हैं वो यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटरनल पार्ट का। इंटरनल पार्ट में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, तो इसको हम जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए यहाँ पे हमारा होता है CPU। देख सकते हैं, मैं रुकिए खोल के दिखा दूंगा आपको। ये है हमारा मेन CPU। जो हमारा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो पार्ट है, ये मेन यही है। अब हम बात करते हैं इसके वीडियो कार्ड की। तो वीडियो कार्ड कहाँ लगता है दोस्तों? तो वीडियो कार्ड के लिए ये तीन स्लॉट दिए जाते हैं हमें। वीडियो कार्ड हो गया और हॉटस्पॉट वगैरह कनेक्ट करने के लिए, ये तीन का हम यूज करते हैं स्पेसिफिक। और ये होता है हमारा ग्राफिक कार्ड के लिए। हम बाहर से अगर ग्राफिक कार्ड को हम यूज करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो है हमारा स्लॉट ये ग्राफिक कार्ड के लिए होता है। और ये होता है मेन हमारा हीट सिंकर। ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, बाहर से जितने भी हीट आते हैं उसे ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब हम बात करते हैं हमारा रैम कहाँ लगता है। तो रैम के लिए दोस्तों स्पेसिफिक ये चार स्लॉट बनाए जाते हैं। इसमें आप अपने रैम को इंसर्ट कर सकते हैं, जो बाहर से हम जो रैम DDR4 DDR2 स्पेसिफिक जो हम यूज करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे एक हमें सेल मिल जाता है जिसे CMOS सेल कहते हैं। ये इसका यूज तब हम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि PC बंद है, फिर भी आप डेट और टाइम वगैरह देखते होंगे कि एकदम करेक्ट बताता है, वो हमारा हेल्प करता है ये CMOS, जो हमारा ये सेल है यही हेल्प करता है दोस्तों। इसको भी लगा देते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे एक बजर होता है। बजर का यूज हम तब होता है जब हमारे
इंटरनल पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो ये बजर अपने आप ऑटोमेटिक बजने लगता है। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट की। स्पोर्ट में हम अपने बाहर से जितने चीज़ें होते हैं जैसे हार्ड डिस्क और कॉन्पैक्ट रीडर और चाहे वो हमारा फ्लॉपी डिस्क रीडर होता है, उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा जाता है मेन सप्लाई, जिसके वजह से हमारा पूरा ये सिस्टम वर्क करता है। दोस्तों ये था हमारा पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करना ना भूलें।